जिसकी भी लगाई है भाई, ये गलत के साथ आया हूं ना, एक मिनट ना सर लो भाई, किसी भी टॉयलेट में पानी की व्यवस्था नहीं। ओ मां जी क्या किचन बर्तन का सब आगे का पानी नहीं है, सामने देखो टूटिया खोल के देखो, नहीं है ना पानी टंकी में, नहीं तो पानी कहां से आएगा। ये इतने बच्चे प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं, वो कैसे बेचारे, ये बच्चे भी तो हमारे हैं। देखो कैसे सीट ऊपर टूटी हुई है, किसी भी टॉयलेट में ना डिब्बा है ठीक है ना, ना पानी है। लखने का फायदा क्या है, उद्देश्य क्या बुरा हुआ, कुछ नहीं हुआ है। उद्देश्य पूरा तो ये था कि समय रहते बच्चे प्रैक्टिस करने आते, उसका यूटिलाइज करते। कोई पानी टूटी पड़ी है क्या, टॉयलेट में ठीक है, ये बच्चे हमारे ही हैं, इनको नुकसान हो गया, फायदा क्या है इस चीज़ का। लास्ट में जहाँ बच्चे प्रेम करने लगते हैं, कोई प्रॉपर तैयारी ना करने की वजह से कोई, मैं दोबारा से माठी बैठ गई, माठी बैठने से ये कनेक्शन इसका प्रॉपर हुआ नहीं, फिर ये लाखों रुपए लगाने के बाद ये चीज़ फंक्शनल नहीं है, बिजली का कनेक्शन नहीं है, बाकी टॉयलेट में पैसा लग गया, सारी चीज़ें हैं लेकिन एग्जॉस्ट फैन नहीं है। जी वी आई पी टॉयलेट है, ये ओके है, बस मेंटेन करने की आवश्यकता है, एक साल के करीब होने को है, पानी की व्यवस्था है, बस इसको संभाल नहीं करें, कनेक्शन सप्लाई रहती है। आप नगर पालिका से हैं सर? ये पिछले एक साल से पाइप लगनी और जाली लगनी बाकी है, एक साल में ये जाली और पाइप नहीं लग पाए ना, ये फंक्शन हो पाए। दस साल दो साल हो गए हमने फंड बने दे, ये देखो ये बैठ गया, इस पर वाइंडिंग है, बिजली का सप्लाई का कनेक्शन बाकी है और फंक्शनल होने बाकी है। अब हम क्यों बार बार मोबाइल टॉयलेट यूज़ करें, जब लाखों रुपए लगा के सरकार ने प्रोजेक्ट तैयार कर दिया, सिर्फ फंक्शनल कराना था। आज मैं जैसे 15 अगस्त का हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसको आयोजित करने के लिए जिला प्रशासन अपनी पुरजोर तैयारियां किए हुए है, उसी के निमित्त आज विषय रहा क्यों ना जो स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के लिए बच्चे तैयारियाँ कर रहे हैं उनके लिए पीने के पानी की प्रॉपर व्यवस्था है या नहीं है, शौचालयों की व्यवस्था है या नहीं है, उन स्थितियों का जायज़ा लेने आया था। साथ में पिछले लगभग एक साल पहले पुलिस लाइन मैदान पर एक सार्वजनिक शौचालय की स्थापना की गई थी, जो कि मतलब आज लगभग एक साल होने को है, उसके बाद भी आज तक वो फंक्शनल ना होना बड़ा दुखद विषय है। बड़ी मतलब लगता है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों का मतलब एक मतलब उनकी उदासीकरण चीज़ दर्शा रहा है कि उन्होंने लाखों रुपए लगा दिए और उसको फंक्शनल ना होने की वजह से अब हमें मोबाइल टॉयलेट की यूज़ करना पड़ रहा है और मोबाइल टॉयलेट में पानी की व्यवस्था नहीं है, जो एक बड़ा दुखद विषय, हमारी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं जो कार्यक्रम की तैयारी के लिए आए और फिर उनको शौचालयों में पानी की व्यवस्था ना होना या उनमें डिब्बे वगैरह उपलब्ध ना होना, तो इस विषय में संबंधित जो भी अधिकारी हैं सबको निर्देशित किया जाएगा कि भी तुरंत इस प्रकार की कोताही ना की जाए, तुरंत उचित सफाई व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था। अब कैंप बड़े बड़े आपने ट्राली तो ला के रख दी पानी की, लेकिन बच्चे उस ट्राली से कैसे पियेंगे, कहीं ना कहीं कैंपर की व्यवस्था होनी थी, डिस्पोजल गिलास की व्यवस्था होनी चाहिए थी ताकि बच्चे प्रॉपर ढंग से पानी पी पाते, क्योंकि ये बच्चे भी तो हमारे ही हैं। लगभग कितना बजट इस पे लगा था टॉयलेट बनाने में? इस विषय को तो बजट के बारे में तो म्यूनसिपल कमेटी ही बता पाएगी उनका कितना बजट लगा कितना नहीं, लेकिन दुखद विषय यह है लगभग एक साल होने को है और आज तक ये फंक्शनल नहीं हुआ, कहीं ना कहीं अधिकारियों की नाकामी है ये। क्या क्या खामियां मिली आपको? खामियां तो पिछले एक वर्ष पहले जब उद्घाटन हुआ उस टाइम भी जो यूरिनल पाइप थी, जो वेस्ट यूरिनल पाइप थी, जाली थी, जो उस टाइम भी हिदायत दी गई थी इसको प्रॉपर किया जाए, जो
सीवरेज का कनेक्शन जो कुई में होना था, कुई बनी हुई थी पहले, लेकिन उसकी देखभाल ना करने की वजह से मिट्टी दोबारा से कुई में चली गई, कुई कच्ची थी, और अब दोबारा से उसका बजट एस्टीमेट, अधिकारी मतलब बजट एस्टीमेट की तरफ बढ़ रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि इस काम को कैसे फाइनल करके और लोगों को सुविधाएं दी जाएं, ये उद्देश्य होना चाहिए। तो हर जगह पर खाना कैसे मिलेगा? बस यही एक इशारा दिख रहा है, मतलब बहुत दुखद विषय है, इस पर तुरंत कार्रवाई करके, मेरा तो उद्देश्य ये है कि 15 अगस्त से पहले हमारे ये जो हमारा सार्वजनिक शौचालय है जिस पर लाखों रुपए लगाए, जिसमें VVIP टॉयलेट है, हेलीपैड के साथ लगती, अगर हमारे कोई भी VVIP आते हैं तो वो उसके VVIP टॉयलेट का यूटिलाइज करते, लेडीज़ टॉयलेट है, जेंट्स टॉयलेट है, सुविधाएं सब कुछ हैं, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता की वजह से ये आज माली हालत में है, ये जर्जर हालत में है, इसकी साइड की ज़मीन बैठनी शुरू हो गई, जो कि बड़ा दुखद विषय है। मैंने CTM साहब की नॉलेज में कल भी डाला था, और आज जब मैं आया तो मैंने CTM आदरणीय दर्शन सिंह यादव जी से मैंने बात की, जी सर मैं आ गया हूँ और मैं आपके इंतज़ार में हूँ, आप विजिट कीजिए साथ में, और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दीजिए कि इस व्यवस्था को तुरंत दुरुस्त किया जाए 15 अगस्त से पहले पहले, यही एक उद्देश्य है। तो क्या CTM साहब आए हैं? शायद उनकी कोई व्यवस्था थी, वो नहीं पहुँच पाए, लेकिन म्युनिसिपल कमेटी के ME, JE और SDO वगैरह बुलाए थे मैंने मौके पर, उनको कहा है भैया इस कार्य को पूरा कीजिए, लेकिन उनका उद्देश्य बजट एस्टीमेट कराना, परमिशन दिलाना, ये विषय है उनका, मतलब काम को फाइनल करने का उद्देश्य नज़र नहीं आया। मोदी जी का एक डी प्लान होता है, उस प्लान के तहत ये व्यवस्था की गई है, और जनहित में कोई भी कार्य है उसमें हम सब का दायित्व बनता है, पत्रकारों का भी, हमारा भी, कि कोई जनहित का विषय है उसमें हम सहयोग करें, ना कि टांग खिंचाई करें। अपना नाम? वेद प्रकाश पांचाल, सदस्य स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा सरकार, राज्य स्तरीय कार्यबल।